खाना जितना सिंपल रहता है उतना ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कई बार फॉर अ चेंज हमारा कुछ डिफरेंट खाने का मन करता है। एक्चुअली सच बताऊं तो रोटी राइस और दाल खाने वाले लोग एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। लास्ट 14 इयर्स के प्रोफेशनल करियर में मैंने डाइट प्रेफरेंसेस को एकदम से चेंज होते हुए देखा है। सो डज द नवरात्र फास्टिंग, पीपल वॉन्ट टू ट्राई न्यू रेसिपीज आउट ऑफ द नवरात्र फूड स्टफ्स एज वेल। इसी कंटेक्स्ट में आई ट्राइड माय हेल्दी वर्जन ऑफ डाइट दही भल्ला आउट ऑफ नवरात्र फूड स्टफ्स। ट्रस्ट मी, दिस वाज माय फर्स्ट ट्रायल थ्रू दिस वीडियो टू मेक द दही भल्ला एंड इट टर्न्ड आउट सो गुड। सो लेट मी टेक यू थ्रू माय जर्नी ऑफ दही भल्ला मेकिंग फॉर नवरात्र फास्टिंग। तो चलें फिर किचन में। सो द फर्स्ट स्टेप इज ऑफकोर्स द सोकिंग ऑफ सेमक उर्फ फराले उर्फ व्रत के चावल। अगर आपके पास टाइम कम है तो सिर्फ हाफ एन आवर सोकिंग से भी काम चल जाएगा। सोक करने से पहले 2 से 3 बार ज़रूर वॉश कर ली। ये सेमक राइस थोड़ा सा अर्दी कलर का है, जबकि मार्केट में हमें बिल्कुल पर्ली वाइट कलर के सेमक राइस मिलते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये हमने अपनी वेकेशन के लिए हम उत्तराखंड गए थे तो वहाँ की किसी लोकल शॉप से ख़रीदा था और उत्तराखंड में इसको झांगोरा बोलते हैं। सामक राइस थोड़ा सा पर्ली वाइट नहीं है क्योंकि ये पॉलिश्ड नहीं है, तो और इसको मैंने थोड़ा सा वॉश भी ज़्यादा किया है। इसके बाद हमें साबूदाना को भी अच्छे से वॉश करना है और वॉश करके इसको भी हमें हाफ एन आवर के लिए सोक कर देना है। फिर पानी को ड्रेन कर देना है हमें। पानी को ड्रेन करके इसको एक ग्राइंडर जार में डालेंगे और थोड़ा सा उसमें ग्रीन चिली, जिंजर और खट्टा दही डालना है। खट्टा दही डाल के इन सब चीज़ों को हम ग्राइंड करके एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। आपके जो पेस्ट की कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा सा पोरिंग कंसिस्टेंसी होना चाहिए, रनिंग कंसिस्टेंसी वोंट वर्क। और इसको ना बहुत अच्छे से नमक डाल के आप फेंट लीजिए। जितना आप इसको विस्क करते जाएंगे उतना ही इसमें एयर ट्रैप ज़्यादा होती जाएगी, जिससे कि आपके भल्ला की जो कंसिस्टेंसी है वो सॉफ़्ट रहेगी, भल्ला आपके सॉफ़्ट रेडी होंगे। फाइनली इसमें हमने हाफ पाउच जो है वो इनो का ऐड किया है और थोड़ा सा इनो इसमें मिक्स करके ग्रीस डप्पे पैन में हम डाल देंगे। सारे मोल्ड्स हमने फिल कर दिए हैं और इसको अप्पे पैन को हमने कवर कर दिया है। बिफोर टर्निंग द साइड हम एक एक ड्रॉप घी की डालेंगे सो दैट इस साइड से भी ग्रीजिंग अच्छी हो जाए। एंड लेट्स टर्न द साइड नाउ। ये देखिए ब्यूटीफुल गोल्डन कलर आ गया है, दैट मीन्स एक साइड से ये कुक हो गए हैं। दूसरी साइड से भी हम इनको कुक होने देते हैं और दोबारा से हम ढक्कन लगा देते हैं। देखिए दोनों साइड से कुक होने के बाद हम इनको निकाल लेते हैं और प्लेटिंग करने से पहले इनका ठंडा होना ज़रूरी है, तो थोड़ी देर के लिए मैंने इनको रख दिया था। अब ठंडे हो गए हैं तो हम इनकी प्लेटिंग करते हैं। कर्ड में सोक कर लेंगे सबसे पहले और सॉल्ट से हल्का सॉल्ट डाल के इसको सीजन करेंगे। भुना हुआ जीरा, जिससे कि दही भल्ला में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, उसको भी हम डालेंगे और ग्रीन चटनी इस पे डालेंगे। ये व्रत वाली ग्रीन चटनी है जिसकी रील मैंने लास्ट ईयर डाली थी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा कि ये ग्रीन चटनी कैसे बनी है। अब इसमें थोड़ी सी टैमरिंड एंड डेट्स की चटनी डालेंगे क्योंकि ये चटनी भी दही भल्ला के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है या किसी रीज़न से आप शुगर अवॉइड कर रहे हैं तो आपको ये डेट्स एंड टैमरिंड वाली चटनी भी अवॉइड करनी होगी, या फिर बहुत ही कम क्वांटिटी में आप इसको रखें ताकि शुगर कंटेंट आपका ज़्यादा ना हो। और फाइनली हम इसको पोमेग्रेनेट पर्ल से गार्निश करेंगे और ये रेडी हो गए हमारे स्पाइसी टांजी दही भल्ले। फास्टिंग भी और फीस्टिंग भी दोनों एक साथ, मैंने अपनी रेसिपी को 8 मार्क्स दिए हैं आउट ऑफ 10 अगर मैंने इसको कंपेयर किया है नॉर्मल दही भल्ला से। सेकंड रीज़न इसको 2 मार्क्स कटने का है कि इसमें मैं किशमिश डालना भूल गई हूँ, जो कि हर एक भल्ला में अगर हम किशमिश डाल देते हैं तो अच्छा टेस्ट आता है। और अब आप ट्राई कर लीजिए और कमेंट्स में मुझे बता दीजिए कि आप इस रेसिपी को कितने मार्क्स देंगे। ओनली टेस्ट को कंसिडर करना है आपको, क्योंकि हेल्थ क्वेश्चन तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो हेल्थ क्वेश्चन के हिसाब से तो ये 10 out of 10 ही बनता है। और अगर हम फ्राइड भल्ला देखें तो उसका हेल्थ क्वेश्चन तो हम 0 ही रेट करेंगे इसके आगे। आई एम श्योर अगर आप एक बार ट्राई करेंगे तो ये आपकी 1 of the favorite रेसिपी बन जाएगी फास्टिंग में। और हाँ, कमेंट्स में मार्क्स ज़रूर बता दीजिएगा। चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ या फिर कुछ नई हेल्थ इन्फॉर्मेशन के साथ। Thank you for watching.